तो बेटा स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस साइन। ठीक है बेटा, आपको ये सभी को आता ही होगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस साइन पुट करने हैं। उनकी ऊपर आपने जैसे आपका फर्स्ट है ए वाला है 100। मेरी क्लास में आ गया प्लीज तो अपने आप को अभी जब तक मैं कहूंगी नहीं किसी बच्चे ने अनम्यूट नहीं होना है, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, आपने जो बड़े डिजिट है उनकी और आपने जे वाला साइन लगाना है फर्स्ट पे है जो। ठीक है, कौन सा बड़ा है दोनों डिजिट में से 2371201। ठीक है, कौन सा बड़ा है 1201। ठीक है बेटा, तो साइन किधर होगा 1201 की ओर। ठीक है, बी है आपका 3645। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट आपको लिखा हुआ है 98। मैम, यस बेटा, मैम, यस मैम, पिक अच्छे से नहीं दिख रही बेटा, हो रही है शुरू। सभी बच्चों को आज दिख रही है बेटा, मैंने आज आपको सुबह भी सेंड की थी ग्रुप में। मॉर्निंग टाइम सभी को आई होगी ग्रुप में। आपने अभी तक किया नहीं बुक वर्क बेटा? मैंने सुबह ही सेंड कर दिया था मैम। मैम मम्मी को कर दिया था मैम, सुबह ना लिंक नहीं आया। हाँ बेटा, अभी आपकी क्लासेस है ना जो 12 के बाद लगेगी। ठीक है, 12 PM के बाद लगा करेंगी। ओके मैम, ओके। क्लास आपकी 12:20 पर होगी। ठीक है, इसके बाद 2:30 पर आपकी 3 क्लासेज लगेंगी। मैम सुबह तो नहीं पिक, मैम सुबह। आकाशदीप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम सुबह नहीं आई पिक बेटा, मैथ की पिक आई है ग्रुप में सेंड की। मैम नो, मैम आई ना। ठीक है बेटे, आपको इसमें साइन लगाना है। ठीक है, पुट द करेक्ट साइन। ठीक है, अब आपने शुरू से स्टार्टिंग से आपकी क्लासेज में, ठीक है, जे वाला सम करवाए होंगे। ठीक है, टीचर्स ने सी वाला है आपका 5421। ठीक है, सामने वाली डिजिट भी सेम है। ठीक है, 5412 है। ठीक है, कौन सा बड़ा है दोनों में से 5421, तो साइन किसकी और होगा 5421 की ओर। ठीक है बेटा, डी है सम है आपका 9781। सामने वाला डिजिट कौन सा है 9871, तो दोनों क्या है बराबर हैं। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, इसके बीच नेक्स्ट सम है आपका ई वाला 1212। ठीक है, सामने वाला डिजिट कौन सा है 1212, तो इसके बीच में भी कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू वाला बराबर वाला साइन आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, कोई भी इनमें बड़ी नहीं है कोई भी छोटी नहीं है।
तो इसमें कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू बढ़ाएगा, ठीक है सेम वन। एफ सम है आपका 8064, ठीक है। सामने वाली डिजिट कौन सी है, 7065। तो बेटा कौन सी बड़ी डिजिट है, 8064, ठीक है। 806 वाली कौन सी है, बड़ी डिजिट है। ओके बेटा, आपको ये तो पता ही होगा ना कौन सी डिजिट बड़ी होती है कौन सी होती है। ये सम आपने ऐसे करने हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया ना सभी को, अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते मैम। यस आ गया ना सब मैम। यस ठीक है, जो बड़ी डिजिट है उसकी और आपने साइन लगाना है। अगर दोनों सेम है, कोई छोटी या बड़ी नहीं है, तो उसमें कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू वाला, बराबर वाला साइन आएगा, ठीक है बेटा। आगे है सेकंड आपका क्वेश्चन, सेकंड आपका है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, बढ़ता क्रम, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। आपका ए सम है, ठीक है, इसमें 4 डिजिट दी गई है आपको। फर्स्ट डिजिट है 3285406129834691। पहले आप इन चारों में से कौन सा देख रहे हैं, सबसे छोटा डिजिट, छोटा डिजिट कौन सा है, 298 वाला सबसे छोटा डिजिट है। तो हम उसको कहाँ पे फिल करेंगे, सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे, 298, ठीक है बेटा। इसमें फर्स्ट बॉक्स में क्या आ गया, सबसे छोटा डिजिट, ठीक है। फिर इसी तरह हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्या आएगा, 3285, ठीक है। सेकंड बॉक्स में आएगा 3285, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, थर्ड में क्या कौन सा आएगा, 3469, ठीक है बेटा। और लास्ट पे सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है आपने, 461, ठीक है बेटा, सॉरी 4061, लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आ जाएगी। तो नेक्स्ट भी आपने बी वाला भी सेम करना है। फर्स्ट डिजिट आपको दी गई है 1892, ठीक है। सेकंड है 1982, थर्ड है 1289, नेक्स्ट है 1189, ठीक है। सबसे पहले आपने सबसे छोटी देखनी है, इन चारों में से सबसे छोटी कौन सी डिजिट है, 1189, ये सबसे छोटी डिजिट है। तो आप इसको कहाँ पे फिल करोगे, फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है बेटा। सेकंड बॉक्स में आप फिल करोगे इससे इससे ज्यादा बड़ी, ठीक है, 1289, ठीक है। सेकंड बॉक्स में आएगा 1289, ठीक है। अभी थर्ड में आपने बढ़ते क्रम में लिखनी है, इससे बड़ी देखो डिजिट कौन सी है, 1892, ठीक है बेटा। थर्ड बॉक्स में आपने ये फिल करनी है, लास्ट पे आपने सबसे बड़ी डिजिट जो बाकी रहेगी वो फिल करनी है। सबसे बड़ी कौन सी बच गई है लास्ट में, 1982, ठीक है बेटा, लास्ट पे आपने ये फिल करनी है। नेक्स्ट सी भी आपने ऐसे करना है, ठीक है, 9099, फर्स्ट डिजिट आपकी ये दी हुई है ना, जहाँ पे अनसॉल्व दिए हुए सम आपको, ठीक है। सेकंड है 9909, ठीक है। थर्ड वाली है 9990,
लास्ट पे 999। तो बेटा आपने सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी है, कौन सी डिजिट है सबसे छोटी डिजिट, कौन सी है 999। ठीक है बेटा, सबसे छोटी है 999। नेक्स्ट आपने इससे बड़ी लिखनी है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा नेक्स्ट बॉक्स में 909,099। ठीक है, जो फर्स्ट पे दी हुई है वो फिल करनी है आपने सेकंड बॉक्स में 9099। ठीक है बेटा, थर्ड बॉक्स में आपने करना है इससे बड़ी डिजिट, इससे बड़ी डिजिट कौन सी है 9909। ठीक है बेटा, तो लास्ट पे आपने सबसे बड़ी जो बच जाती है वो लिखनी 9990, जो सबसे बड़ी है वो डिजिट हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और जो सबसे छोटी है उससे हम ये डिजिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉक्स में फिल करना स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी डिजिट से। ठीक है बेटा, सेकंड लास्ट है आपका डी सम, इसके भी आपने वैसे ही करने हैं। ठीक है, पहले सबसे छोटी देखो डिजिट कौन सी है, सबसे छोटी डिजिट है 6143। ठीक है, 6143 आपकी सबसे छोटी वाली डिजिट है, तो आप इसको कहाँ पे फिल करोगे, फर्स्ट बॉक्स पे फिल करोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपने करना है इससे बड़ी डिजिट कौन सी है 6314। ठीक है, जी आप सेकंड पे फिल करोगे 6314। ठीक है बेटा, थर्ड पे आपने इससे बड़ी देखनी है 6341। ठीक है, आई रिपीट 6341। ओके बेटा, तो बेटा आप लास्ट पे सबसे क्या लिखोगे, मैंने पहले भी आपको बोला था जो सबसे बड़ी डिजिट रह जाती है लास्ट पे वो आपने लास्ट पे राइट करनी है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी बच गई है 6431। ओके बेटा, जी आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटी डिजिट से लेके फिर आपको वो बढ़ते बढ़ते जाना है, लास्ट पे सबसे बड़ी वाली डिजिट लिखनी है। समझ आ गया बेटा जी वाला ऑर्डर कैसे करना है? ओके बेटा, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिस्कैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको आपने घटते क्रम में लिखना है, डिस्कैंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको घटते क्रम में। इसमें आप क्या करोगे, पहले तो आपने जो आपने किया है पहले बढ़ते क्रम वाला, ठीक है, उसमें तो आपने सबसे छोटी डिजिट पहले लिखी थी, इसमें आपने सबसे बड़ी वाली पहले लिखनी है डिजिट, और जो बच जाएगी सबसे छोटी वो आपने लास्ट पे राइट करनी है। ओके बेटा, तो हम जे वाली स्टार्ट करते हैं। ये समय आपका 7649। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट दी हुई है 7496। नेक्स्ट इज 7549। ठीक है, नेक्स्ट इज 7459। ठीक बेटा, तो हम पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ी वाली डिजिट ढूंढते हैं कौन सी, तो सबसे बड़ी वाली डिजिट है 7649। ठीक है, जो फर्स्ट पे ही राइट की थी आपने वो फर्स्ट पे राइट कर दी। ओके बेटा, नेक्स्ट बॉक्स में आएगी इससे छोटी वाली। ठीक है, इससे छोटी वाली डिजिट कौन सी है 7549। ठीक है बेटा, देखो इसमें सभी में 7000 वाली ही डिजिट है, आपने कहाँ से पता लगाना है, 100 में से पता लगाना है आपने। देखो जैसे फर्स्ट में 600 है ना, नेक्स्ट में 400 है, तो थर्ड वाली में 500 है, फिर नेक्स्ट में 400 है। ठीक है, आपने ऐसे देख के फिर राइट करनी है। ठीक है बेटा, थर्ड बॉक्स में आएगी 7496। ठीक है, लास्ट बॉक्स पे सबसे छोटी डिजिट जो बच गई है आएगी 7459। ठीक है बेटा, लास्ट बॉक्स पे आपने सबसे छोटी डिजिट लिखनी है और स्टार्ट कहाँ से करनी है, सबसे बड़ी वाली डिजिट से। ओके, बी है आपका
ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका सी वाला सम है, सॉरी सेकंड है बी वाला, 8291 91। ठीक है, आपकी फर्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट वाली डिजिट है आपकी 8192। ठीक है, नेक्स्ट इज 8091। ठीक है, लास्ट वाली 8129। तो बेटा आपने सबसे बड़ी लिखनी है पहले डिजिट, फिर सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, 8291। ओके बेटा, नेक्स्ट होते आप सेकंड पे लिखेंगे 8192। ठीक है बेटा, तो इससे छोटी क्या आएगी अब, 8129। ठीक है, लास्ट पे आपने सबसे छोटी वाली राइट करनी है 8091। ओके बेटा, अभी सी सम देखो 1123। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट है 1312, नेक्स्ट इज 1213, नेक्स्ट लास्ट 1321। तो बेटा इसमें भी आपने सबसे पहले आपने बड़ी डिजिट राइट करनी है 1321 फर्स्ट पे राइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आपने राइट करना है 1312। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज 1230, लास्ट पे आपने सबसे छोटी लिखनी है डिजिट, छोटी सबसे कौन सी रह गई है, 1129। ठीक है बेटा, तो बेटा लास्ट है आपका डी सम है बेटा, प्लीज स्क्रीन पे ऐसे आप मत कुछ किया करो। बेटा लास्ट सम है आपका 4523। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आपको दी हुई है, नेक्स्ट इज 5690, नेक्स्ट इज 4807। ठीक है, लास्ट पे 5032। तो बेटा सबसे पहले आपने वैसे ही जैसे पिछली सम्स की है आपने, ठीक है, वैसे ही करनी है। फर्स्ट पे आपने सबसे बड़ी डिजिट राइट करनी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 5619, नेक्स्ट इज 5032, नेक्स्ट 4807, लास्ट पे सबसे छोटी डिजिट 4523। ओके बेटा, जो आपके दो ऑर्डर है, एक एक्सेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, एक्सेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, बढ़ते क्रम वाला, और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, घटते क्रम वाला। ठीक है, फर्स्ट पे आपने छोटी से बड़े बड़ी वाली डिजिट लिखते जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ने आपने सबसे बड़ी पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट पे सबसे छोटी डिजिट लिखनी है। ठीक है बेटा, रिमेम्बर दैट। अभी आपका है बेटा फोर्थ सम, फोर्थ है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है बेटा, आपने बोल वाला नंबर राइट करना है जो इनके बीच में आता हो, जो आपके डिजिट दी हुई है उसके बीच में कौन सा नंबर आता है, आपने वो राइट करना है। ठीक है, 698 फर्स्ट नंबर है आपका, 698
और 700 में बीच में कौन सा डिजिट आएगा बेटा? 9 बजे कौन कर रहा है? ठीक है बेटा, इसमें बीच में कौन सा नंबर आएगा? 699। ठीक है, बी है आपका 4039 और 4041 में क्या आएगा? 4040। ठीक है बेटा, आपने सेंटर वाली डस्टबिन वाली नंबर आपने राइट करनी है, इसके बीच में क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट है सी वाली 1287। ठीक है, फर्स्ट आपकी 1287 है, तो इसके बाद क्या आएगा? 1288। ठीक है बेटा, आपने राइट करना है 1288। ठीक है, अभी डी सम है आपका 8500। ठीक है, और 8502, तो इसके बीच में आप क्या राइट करेंगे? 8501। ठीक बेटा, अपने बैठने वाले नंबर्स आपने इनमें राइट करने हैं। ठीक है, जे वाले सम आपके जे वाले हैं। 8001 बेटा, नो, इतनी बात कौन करे? काशदीप प्रॉपरली। बेटा फाइव है आपका राइट द प्रोसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, आपने प्रोसेसर नंबर लिखने हैं और सक्सेसर। ठीक है, प्रोसेसर नंबर कौन से हैं? जो सब छोटे हैं जो पहले आएंगे, और सक्सेसर क्या है जो बाद में आने वाले। ठीक है, फर्स्ट ए में आप लिखोगे 888, बाद में क्या आएगा? 889, जो पहले ही बुक में राइट किया हुआ है। तो बेटा लास्ट पे आपने सक्सेसर लिखना है 890। ठीक है, बी में आपने स्टार्ट करना है, आपको दिया हुआ है 2341 दिया हुआ है ना, तो पहले आप क्या राइट करोगे? इससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 2340। ठीक है बेटा, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करते हो ना, 5 के बाद 6 आता है ना, 12 के बाद 30 है ना, 99 के बाद 100, ऐसे ही आपने जी 1000 में करना है। 2340 के बाद क्या आएगा? 2341। बेटा मत हुआ करो जब तक मैं कहती नहीं। तो बेटा आपने नेक्स्ट पे लिखना है सी, आपका सम है 7038 आपको दिया हुआ है। ठीक है नंबर, तो इससे पहले आप क्या राइट करोगे? इससे पहले क्या आएगा? 7037। ठीक है बेटा, तो 7038 के बाद क्या आएगा? 7039। ओके बेटा, डी सम है आपका, ठीक है, फिर इसके बाद नंबर लिखा हुआ है 9000 के बाद क्या आएगा? 9001। ठीक है बेटा, हमन जो बेटा सीधे बैठे, सिक्स्थ है आपका चूज द राइट, चूज एंड राइट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स। ठीक है बेटा, आपने सिक्स में क्या करना है? सिक्स सम में आपने सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढ के लिखना है। ठीक है बेटा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपने राइट करना है, इसमें से देख के आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आपको दिए हुए हैं बुक में, तो आपने इनमें से देखना है सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट पे 3124,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2689, 708, 4925, 4259। तो बेटा इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4000 वाला, ठीक है। तो आपने राइट करना है बॉक्स में 4925। ओके बेटा, बी समय आपका, इसमें से भी आपने सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढ के लिखना है बॉक्स में। आपको 5 डिजिट दी हुई है, तो बेटा इसमें से आपने फाइंड करना है सबसे बड़ा डिजिट। ओके बेटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फर्स्ट है 1987। नेक्स्ट है 2000। नेक्स्ट इज 2999। नेक्स्ट 2001। नेक्स्ट इज 399। तो बेटा आपने सबसे बड़े वाला नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो क्या राइट करेंगे? 2999 ये आपका सबसे बड़े वाला नंबर है, जो आपने बॉक्स में राइट करना है, ठीक है। सी सम में से भी आपने बड़े वाला डिजिट, ठीक है, फाइंड आउट करके लिखना है। फर्स्ट है आपका 6023, 6203। नेक्स्ट इज 6303। नेक्स्ट 6320। लास्ट इज 6032। तो बेटा आपका सबसे बड़े वाला डिजिट कौन सा है? 6320, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका डी वाला सम है 9899। नेक्स्ट नंबर है आपका 9879। लास्ट इज 9897। तो बेटा आपने सबसे बड़े वाले डिजिट, ठीक है, नंबर आपने बॉक्स में राइट करना है। सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा है इसमें? 9989, ठीक है बेटा।